यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आम बजट पेश हो गया है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो मेहमान रहेंगे इस चर्चा में। राजीव रंजन रॉय हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनका अपना अनुभव है, कई बजट पेश होते देखे हैं, बजट के असर इन्होंने देखे हैं। साथ ही किसान नेता राकेश बैंस जी हमारे साथ हैं। किसानों पर कितना असर रहेगा इस बजट का, किसानों के लिए कितना अच्छा ये बजट होगा, वो जानने की कोशिश करेंगे। आप दोनों का स्वागत है। और शुरुआत राजीव रंजन जी आपसे, बजट से जितनी उम्मीदें थी क्या वो पूरी हुई किसी लिहाज से? देखिए, जो सामान्य आदमी की दो उम्मीदें थी बजट से, एक तो ये था क्या कि बजट में कुछ ऐसा होगा जिसमें कि महंगाई कम होती जी। इसका एक सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ। क्योंकि अभी जो रिटेल इन्फ्लेशन के जो डेटा आ रहा है और रियल लाइफ में जो कॉस्ट है उसमें बड़ा मिसमैच है, तो सरकार उम्मीद कर रहे थे लोग कि सरकार इसमें कुछ इसमें करेंगे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। और दूसरा सबसे बड़ा इनमें था क्या कि जो फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर हैं, उनके लिए भी कुछ करेंगे क्या, चाहे उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस को लेकर के कुछ उसमें अनाउंसमेंट ये करेंगे। हालांकि एग्रीकल्चर सेक्टर पे इन्होंने पैसे दिए हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर के डिफरेंट जैसे कि बंबू सेक्टर को पैसे दिए हैं, एक्वा सेक्टर को पैसे दिए हैं और कई उन्होंने काफ़ी पैसे का एलोकेशन किया है। लेकिन जो एक इमीडिएट जो रिलीफ वाली बात होती है, जैसे कि उनके प्रोडक्ट के अगेंस्ट में उनको जो पैसे मिलने चाहिए, उस पर सरकार ने कोई बात नहीं कही। चूंकि मेन मुद्दा जो अभी है वो है कि फार्मर्स की इनकम को 2022 तक डबल करने का लक्ष्य इनका कमिटमेंट है। और 2022 में अगर आपको इनकम डबल करने हैं तो वो ओवरनाइट नहीं हो सकता, बिल्कुल रोड मैप चाहिए होगा उसके लिए। हाँ, वो एक रोड मैप चाहिए और रोड मैप एक प्रैक्टिकल रोड मैप चाहिए। प्रैक्टिकल रोड मैप के मैप एक ये होता है कि उनके जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें आप 50% ऐड करके उनको प्राइस दीजिए। बिल्कुल। और अभी होता क्या है ज्योति जी, वेरी अनफॉर्चुनेटली कि देखिए होता क्या, फार्मर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, और मल्टीपल प्रॉब्लम्स, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपका सुखाड़ हो गया तो उनकी क्रॉप खत्म हो जाती है, दे आर द सफरर्स। फिर आप उनको एक कंपनसेशन देते हैं विच इज नॉट एडिक्वेट। अगर बाढ़ आ गया तो उनका क्रॉप्स बर्बाद हो जाते हैं, फिर उनको आप कंपनसेशन देते हैं विच इज नॉट एडिक्वेट, उनको जिंदा रखने के लिए देते हैं। और जब बंपर क्रॉप हो जाता है तो फिर उनके प्राइसेस काफी डाउन चले जाते हैं, फिर वो रेट नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता। तो प्राइसिंग के जो है जो मेजर प्रॉब्लम है, और उस प्राइसिंग को लेकर के सरकार, हम सभी लोग उम्मीद कर रहे थे क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी होना है कि आखिरी बजट है, ये चुनावी बजट हो सकता है, इसमें राहत के वो रास्ते खुल सकते हैं जो पिछले बजट में नहीं खुले। राकेश जी, किसानों को कैसा लगा बजट? ये एक जुमलेबाजी है, आंकड़ेबाजी है, किसान के घर में कुछ नहीं जाने वाला इसमें। ये जो बता रहे थे अभी, तो उसमें किसान जो जितना भी बजट बनाया गया है, जो किसान को पैसे, किसान के नाम पे पैसा दिया गया, वो सारा पूंजीपतियों के घर जाना है। हाँ। वो इंडस्ट्री लगनी है, किसान जो खेत में काम करने वाला किसान है उसके घर में इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है जो उसके घर में जाएगा। राजीव रंजन जी, कैसे समझा जाए इसे, क्योंकि वित्त मंत्री कहते हैं बजट जब पेश कर रखे थे साफ उनकी ओर से किया गया, खरीफ की फसल पे जो लागत होगी उसका 1.5 गुना मिलाकर और उसके बाद MSP जो है निर्धारित किया जाएगा, क्या इतनी उम्मीद की जाए कि जो सरकार ने कह दिया, जो केंद्रीय वित्त मंत्री ने कह दिया, वो सुनिश्चित भी किया जाएगा, मिलेगा ना? देखिए, मुझे नहीं लगता है क्या कि ये उतना जल्दी ये कर पाएंगे, क्योंकि उससे भी पर्पस सर्व नहीं होगा। देखिए, उससे पर्पस सर्व नहीं होगा। आप फार्मर्स को, फार्मर्स के नाम पे इतने जो पैसे आप सरकार खर्च करती है, कभी आपने उसको ऑडिट किया, कभी आपने जानने का प्रयास किया कि हम फार्मर्स के नाम पे इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, एवरी ईयर हम इतना एलोकेट करते हैं और पैसे खर्च होते हैं ऑफिशियली, तो उसके फार्मर्स की जो ओवरऑल स्टेटस है उस पर उसका कोई इम्पैक्ट है कि नहीं है? उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। वो हमारे पास उसका कोई फिजिकल ऑडिटिंग नहीं है, कोई उसका एक इकोनॉमिक ऑडिटिंग नहीं है कि फंड्स जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं वो पैसे का इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट है। सपोज ये फार्मर है तो उसका इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट है। दूसरी बात, यहाँ हमें ये भी समझने की जरूरत है, हमारे जो फार्मर्स हैं उनके पास जो लैंड होल्डिंग है वो छोटा छोटा है। अगर आप उसका इनपुट कॉस्ट निकालते हैं कि सपोज आप करते हैं, जैसे मैं अगर हम अपनी बात करूँ, मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूँ, तो मेरे पास जो जमीन है उसमें हमने और हमारे बटाईदार ने मिलकर के हमने इन्वेस्ट किया अराउंड 10 से 12 हजार रुपये। 10 से 12 हजार में अगर सब्सिडी कंपोनेंट निकालेंगे तो उसमें 2-3 हजार रुपये बनेंगे। तो वो 2-3 हजार रुपया से हमारे इम्पैक्ट पे, हमारे ओवरऑल स्टेटस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप अगर नहीं भी देंगे तो वो ऑडिटिंग होती नहीं है। जो मेन इशू है क्या कि इतने सारे पचड़ों में पड़ने के बजाय, एक जो स्वामीनाथन कमीशन का बड़ा ही सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन है, उनकी अगर जो कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट अगर 100 रुपये है तो उसको आप उसको 150 रुपये दे दीजिए, और इससे तभी बात थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी।
प्लस उनके जो और प्रॉब्लम्स हैं जिसको कि हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, बच्चों का एजुकेशन है, उनका हेल्थ है, बच्चों की शादी ब्याह है, उस मामले में अगर कुछ आप कंक्रीट सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं, वो एश्योरेंस वाला नहीं कि हमारे पास ये स्कीम है इसका फायदा आप ले सकते हैं। वो दिखे भी, अगर कह दिया सरकार ने वो काम भी हो, वो दिखे भी, वो समझ आए कि आंकड़ों की बाजीगरी नहीं हुई है ना, ज्योति जी वो हमें फील होना चाहिए कि सरकार ने कुछ किया उसका हमें फायदा हो रहा। अभी सरकार क्लेम करती है, किसान जो क्लेम करते हैं दोनों के बीच में ह्यूज मिसमैच है, ये हमें कोई सिनर्जी नहीं है। सरकार कहती है हमने आपके लिए बहुत फायदा किया, किसान भी ये कह दे हाँ काफी हमें फायदा हुआ और हम अब हैप्पी हो गए, किसान के घर तक पहुंचे कम से कम कि अगर सरकार ने किया और पहुंचे, प्लस उसका इम्पैक्ट असेसमेंट भी होना चाहिए जो सरकार करती है। राकेश जी क्या लगता है, फिर इस तरह से ऑपरेशन ग्रीन की बातें हुई, वो किसान तक पहुंचेगा? ऑपरेशन ग्रीन में क्या होगा, कोल्ड स्टोर बनाए जाएंगे, राइस मिल लगेंगे और लगेंगे और पूंजीपतियों के लिए लगेंगे, किसान के लिए इसको क्या बेनिफिट मिलेगा? जो एमएसपी की बात, जो डेढ़ गुना की बात की अभी खरीफ की फसल से, जब तक किसान को उसकी खरीद की गारंटी नहीं दी जाएगी, आप देखिए आंकड़े उठा के देखिए, मात्र देश का 6% फसल जो है एमएसपी में खरीदा जाता है, बाकी 99% जो है बाजार खुले उसमें छोड़ दिया जाता है। तो जब एमएसपी तय करने का मतलब क्या रह गया, तय तो तब किया जाएगा जब उसकी खरीद को गारंटी हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य इसको बनाया जाए और ये बनाया साथ में एक श्योरिटी दी जाए किसान को भी इससे कम आपकी फसल नहीं बिकेगी। राकेश जी जितनी उम्मीदें थी आपको बीजेपी से, बीजेपी से जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात आप लोग करते हो तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सरकार बात करती है, सोइल हेल्थ कार्ड की सरकार बात करती है, अब एमएसपी सुनिश्चित है वो दिलवाया जाएगा इसकी सरकार बात करती है, क्या लगता है जितनी उम्मीदें बीजेपी से किसानों ने की थी वो किसी लिहाज से पूरी हो पाई? देखिए जब शुरुआती दौर था चुनाव का, उस समय प्रधानमंत्री जी ने अपने चुनावी भाषणों में कहा कि हम एक एक चीज बड़ी बारीकी से गणवाई थी उन्होंने भी, किस तरह आपकी लागत है और उसको हम डेढ़ गुना कैसे करेंगे। अब 5 साल बीत चुके हैं, लास्ट बजट था इस साल का यदि माने जाए, क्योंकि अगले साल चुनाव हो जाना है, तो इस दौरान 4 साल में किसान को क्या दिया, स्वयं आत्महत्या बढ़ाने के, सिर्फ आत्महत्या और ऋण जो यानी हम कर्ज की बात करें वो भी बढ़ा है किसान के ऊपर, और स्वामीनाथन आयोग की बात करें तो वो अब मेरे को आज ये बड़ी हैरानी हुई जब बोल रहे थे इसके ऊपर, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया उन्होंने कहा कि हम लागत से 50% नहीं दे सकते, दूसरी तरफ ये बातें कर रहे हैं लोगों को चुनाव में, ऐसा कर रहे हैं किसानों को भी हमें वोट डाल दो, हम 2022 में आपकी आमदन दोगुनी कर दे, कोई 2019 की बातें ना होकर अब 2022 की बातें होने लगी, कोई ब्लू प्रिंट है ही नहीं इनके पास, सिर्फ ये लगाइए कि मैंने जुबान से जो कह दिया वो सत्य है। ज्योति जी मैं एक चीज यहाँ कहना चाहूंगा कि देखिए हमारा जो फार्मर्स है वो हमारे सबसे बड़े बायर्स भी हैं, वो सबसे बड़े हमारा कंज्यूमर्स है, आपकी इकोनॉमी पर इस पर डिपेंड करती है कि आपका क्रॉप कैसा हो, फार्मर्स का इनकम कैसे बढ़ता है, वो बाय करते हैं। मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल दूंगा, एक झटके में इन्होंने 7,000 करोड़ रुपये का बेनिफिट पहुंचा दिया एमएसएमई को, उसका दायरा बढ़ा दिया एक झटके में। एमएसएमई सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में 8% है, इट्स अराउंड 8% के आसपास है। एग्रीकल्चर हमारे देश का सबसे बड़ा एम्प्लायर है, सबसे बड़ा एम्प्लायर है और सस्टेनेबल एम्प्लायर है हर एक परिस्थिति में, इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है अराउंड 14% है और ये आपकी इकोनॉमी का बैकबोन है। हम ये नहीं कहते हैं कि एमएसएमई हमारे इकोनॉमी का बैकबोन है, हम यह कहते हैं कि एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है और हम इसको कहते हैं, मानते हैं एंड वी डू टेक प्राइड इन इट ऑल्सो। लेकिन एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है वो इतना सुकड़ गया है, हमारा जो टारगेट होना चाहिए 6-7% एग्रीकल्चर ग्रो करना चाहिए, इट इज लेस देन 3% और कभी कभी थोड़ा बढ़ता है बट ऑन एन एवरेज इट्स लेस देन 3%। तो इकोनॉमी आपको कैसे ग्रो करेगा, आप लोगों को कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए सामान बनाइए, मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन जो आएगा सामान वो खरीदेगा कौन, मिडिल क्लास के पास पैसे स्पेयर नहीं होते हैं, उनकी एक लाइफ स्टैंडर्ड होती है, उनके कमिटमेंट होता है बच्चों को पढ़ा, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, मिडिल क्लास बियॉन्ड ए पॉइंट वो उस वहां करप्शन करने का कोशिश कर रहे हैं, छोटा सा कमेंट आप दे दीजिए और बताइए कि कितनी उम्मीदें थी जो अभी बरकरार रह गई बजट के बाद।
सारी की सारी उम्मीदें ही रहेगी, क्योंकि जो जो 2014 का चुनाव था उनको एक एक वादे को उठा ले और 2019 में एज इट इज खड़े हैं, उनमें किसी में कोई 5 सालों में कोई प्रभाव नहीं। शुक्रिया आपका, शुक्रिया राजीव रंजन जी आपका भी। तो चर्चा की थी कि बजट कैसा रहा, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जो भाषण दिया, जो बजट पेश किया, उसका आम जनता पे कितना इम्पैक्ट होगा ये साल, आम जनता के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए और जो महिलाएं हैं, युवा हैं, उनके लिए कैसा रहेगा। हालांकि बात शुरुआत में भी हमने की कि मिडिल क्लास जो है, जो टैक्स पेइंग जो लोग हैं, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उनका टैक्स स्लैब का दायरा नहीं बढ़ाया गया, जो राहत के रास्ते खुल सकते थे उन उम्मीदों पर पानी फिरा है।